नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बिल्कुल नई ट्रिक से बहुत ही प्यारा सा बैग बनाएंगे और यकीन मानिए इस आसान तरीके को देखने के बाद आप छोटे या बड़े किसी भी साइज का बैग बड़ी आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। और देखिए, इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने कपड़े का एक क्विल्टी स्क्वायर पीस लिया है। ये देखिए लाइनिंग का कपड़ा, सेंटर में फॉर्म सीट, ऊपर से मैन फैब्रिक की इसमें सिलाइयां लगा ली है इस तरह से। अगर आपको इस बैग को बड़े साइज का बनाना है तो आपको कपड़े का स्क्वायर पीस बड़े साइज का लेना होगा। 15 बाय 15 इंच का स्क्वायर पीस है ये। अब देखिए, इस तरह से हम कोई भी गोल प्लेट ले लेंगे। बस आपको ध्यान रखना है कि प्लेट इससे बड़ी ना हो। अब इसे इस तरह रखेंगे बिल्कुल सेंटर में। अब इसके चारों तरफ निशान लगा लेंगे। अब इसे कट कर लेंगे। अब देखिए, हम एक 22 पट्टी ले लेंगे जिसे हम पाइपिंग बनाते हैं, विड्थ की 1.5 इंच। अब देखिए, इस तरह रखेंगे पूरी गोलाई में। एक्स्ट्रा पट्टी हम कट कर लेंगे। अब देखिए, किनारे किनारे पे इस तरह घुमाते हुए पूरी गोलाई में सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए, अब इस पट्टी को ऊपर की तरफ पलटेंगे। अब देखिए, कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे इस तरीके से, फिर से फोल्ड करेंगे और इस तरह फोल्ड करते हुए पूरी पट्टी में सिलाई लगा के इसे पाइप बना लेंगे। अब इसे सेंटर से फोल्ड करेंगे बराबर। अब सेंटर में एक निशान लगा लेंगे और डार्क कर लेते हैं। अब इसे अलग रखेंगे। अब देखिए, सेम साइज कपड़े की दो पट्टियां हमने और ली हैं। लेंथ इसकी 15 इंच, विड्थ इसकी 4 इंच। एक पट्टी लेंगे, एक बार इस तरह फोल्ड करेंगे, फिर से फोल्ड करेंगे और इस तरह फोल्ड करते हुए पूरी पट्टी में सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह इसे भी तैयार कर लेंगे। देखिए, दोनों हैंडल हमने रेडी कर लिए हैं। अब इन्हें अलग रखेंगे, इसे लेंगे। अब देखिए, जो हमने सेंटर पर निशान लगाया है, इस निशान को नीचे की तरफ 2 इंच तक खींच लेंगे। अब देखिए, इस तरह इंच टेप को रखेंगे, देखिए बिल्कुल सीधा। अब यहां से हम 2 इंच इधर की तरफ खींच लेंगे और 2 इंच इधर की तरफ। इसी तरह इधर भी निशान लगा लेंगे। अब देखिए, एक हैंडल लेंगे, हाफ इंच अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे, इस निशान पर रखेंगे। यहाँ पे ऑल पिन लगा देते हैं। इधर से लेंगे, इसे भी हाफ इंच अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे, इस निशान पर रखेंगे। इस हैंडल को इस तरफ लगा लेंगे। अब इसके चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे, इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी। अब देखिए, हम सेंटर वाले निशान को उल्टी साइड भी लगा लेंगे। अब देखिए, इसके लिए एक चैन लेंगे। चैन की लंबाई है 14 इंच। अब चैन को सेंटर से फोल्ड करेंगे, सेंटर में निशान लगा लेंगे। अब इसे यहां से अलग कर लेंगे। चैन का एक सिरा लेंगे, चैन की सीधी साइड नीचे की तरफ रखेंगे, इस सेंटर के निशान को इस सेंटर के निशान पर रखेंगे। यहाँ पे और पिन लगा लेंगे, इसे लेंगे, इसकी सीधी साइड भी नीचे की तरफ रखेंगे, सेंटर के निशान से मिलाएंगे। अब चैन के दोनों साइड से 1 इंच जगह छोड़ देंगे, यहां से यहां तक 1 इंच जगह छोड़ देंगे, यहां से भी। अब देखिए, इस निशान से बिल्कुल किनारे किनारे पे इस निशान तक सिलाई लगा लेंगे, फिर यहां से दूसरी सिलाई थोड़ी दूरी पे यहां से यहां तक लगा लेंगे। इसी तरह से भी तैयार कर लेंगे। अब इसे इस तरह पकड़ेंगे, यहां से हम चैन का हुक डाल देंगे, यहां से निकाल लेंगे इसे, जिससे चैन इधर से भी बंद हो जाए। फिर से डाल लेंगे। अब इसे हल्के से थोड़ा खोल लेंगे और इसे उल्टा कर लेंगे, इसे अंदर तरफ डाल लेंगे दोनों हैंडल को बराबर। अब देखिए, इस कॉर्नर से इंच टेप को अंदर की तरफ रखेंगे, 1.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। यहां से भी 1.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। अब इस निशान को बिल्कुल सीधा खींच लेंगे, रखेंगे बिल्कुल सीधा, इधर से भी। अब एक सिलाई इस निशान पे सीधी यहां से यहां तक लगा लेंगे और एक सिलाई इस निशान पे यहां से यहां तक लगा लेंगे। अब एक्स्ट्रा कपड़ा हम कट कर लेंगे। अब देखिए, इसे इस तरह पकड़ेंगे यहां से,
इस वाले सिलाई को बिल्कुल सेंटर में ले आएंगे। अभी यहाँ से इंची टेप को रखेंगे, 1 इंच पे निशान लगाएंगे, इस निशान को बिल्कुल सीधा खींच लेंगे। इसी तरह कॉर्नर को पकड़ेंगे, 1 इंच पे निशान लगाएंगे, इसे भी बिल्कुल सीधा खींच लेंगे। अब इस निशान पे यहां से यहां तक सिलाई लगा लेंगे और इसी तरह से इस निशान पे यहां से यहां तक सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए, अब एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ के हम इसे कट कर लेंगे। अब इसे पलट के सीधा कर लेंगे। ये देखिए, हमारा बैग बिल्कुल रेडी है, काफी अच्छा स्पेस भी है इसमें। ये देखिए, ये देखिए, अगर आप इसे बड़े साइज का बैग बनाना चाहते हैं तो आपको कपड़े का स्क्वायर पीस बड़े साइज का लेना होगा और जो उसमें राउंड शेप कट करनी होगी वो भी बड़े साइज की कट करनी होगी।